नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल आवधिक वाल्मीकि समय। आज दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को अकरकरा का जो पौधा होता है उससे परिचित कराएंगे और उसके बहुत सारे गुणधर्म आप लोगों को बताएंगे जो आपके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो बने रहें हमारे वीडियो के साथ, शुरू से लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। हमारे साथ यदि जुड़ना चाहते हैं तो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा वीडियो के नीचे, उसे दबा करके सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन वाला घंटी को जरूर दबाएँ ताकि आप इसी घंटी को पाए रहोगे तो आपको हम जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका सूचना मिल जाएगी और आप देख पाओगे आसानी से सबसे पहले। और वीडियो देखने के बाद दोस्तों अगर शेयर करना चाहते हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं इस अकरकरा की पौधे की संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों आप अभी अच्छे से देख पा रहे हो, यह अकरकरा का पौधा है जो बड़ी मात्रा में लगा हुआ है यहाँ पे। और यह अकरकरा नमी क्षेत्र में पाया जाता है, जहाँ पानी का जमाव होता है उसके आसपास यह पाया जाता है और आपके घर के आसपास भी यह मिल सकता है आजकल के ठंड के मौसम में। तो आप इसे ढूंढ करके देखना और इसे अच्छे से पहचान करके रख लो। और इसको पहचानने की एक और बड़ी खासियत मैं बता देता हूँ, अगर आप इसे देखते हो कहीं भी इस तरह से पौधा, तो आप इसे पहचानने के लिए इसके जो फूल दिख रहा है आपको छोटा छोटा गोल गोल, उसको आप तोड़ करके मुंह में रख करके उसको चबाइए। चबाते ही आपको कुछ चरपरा और तीखापन लगेगा तो आप पहचान लेना कि अकरकरा का पौधा है। यह अकरकरा का पौधा दोस्तों बहुत ही कीमती पौधा है, कोई जानता नहीं है इसलिए इसको इकट्ठा नहीं करते हैं आजकल, लेकिन हम लोग इसको इकट्ठा करके रखते हैं, हमारे पास मौजूद होता है। अगर आप इसे पंसारी के यहाँ ख़रीदने जाते हो तो आपको 10-20 ग्राम की मात्रा को 50 रुपये में वह खरीद करके आपको, मतलब ख़रीदोगे तो 50 रुपये में वह 10-20 ग्राम देगा। तो आप समझ सकते हो इसकी कितनी कीमत है और यह किन किन रोगों में काम आता है वो आप लोगों को हम आज बता देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और पूरा देख के इसकी संपूर्ण जानकारी ले लीजिए ताकि आपके जीवन में कभी भी इसकी ज़रूरत पड़े तो उसको आसानी से उपयोग करके आप खुशी रहो। तो दोस्तों बने रहें वीडियो में। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करता हूं अकरकरा के फ़ायदे के। तो यह अकरकरा किसी भी प्रकार की मुंह के जो छाला होता है उसको मिटाने के लिए बहुत ही दमदार औषधि है। अगर किसी के मुंह में छाला हो गया है, किसी भी प्रकार का फोड़ा फुंसी हो गया है, तो यदि आप इसके जो फूल देख रहे हो छोटा छोटा गोल गोल, उसको यदि मुंह में रख करके चबाते हो तो तुरंत 5-10 मिनट के अंदर में आपके मुंह से पूरे छाले गायब हो जाएंगे। मुंह का जो फोड़ा फुंसी रहेगा वह पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। अगर किसी किसी को आजकल के जैसे नए युवा जनरेशन में गुटखा तंबाकू खाने की आदत रहती है तो उनका मुंह ज़्यादा खुलता नहीं है, छोटा हो जाता है गुटखा की वजह से, खाने की वजह से लगातार, तो उनको यदि इस तरह का प्रॉब्लम है तो वह इस तरह से अकरकरा के फूल को तोड़ करके यदि प्रतिदिन चबाता है तो उसका मुंह 2 से 3 दिन में धीरे धीरे खुलना प्रारंभ हो जाएगा और उसका मुंह जितना सामान्य खुलता है उतना खुलने लगेगा। तो इस तरह से अकरकरा का फ़ायदा ले सकते हो बहुत अच्छे से। और दोस्तों अब इसके अलावा दूसरे फायदे की बात करूँ तो अकरकरा को कमजोरी नाशक भी माना गया है। अगर इसमें कुछ मात्रा में सौंठ और कुछ मात्रा में पीपल, इनको मिला करके इसके फूल को सुखा लीजिए, इसके अकरकरा के फूल को सुखा लीजिए पहले, उसको सुखाने के बाद इसमें सौंठ और पीपल मिला करके इसको काढ़ा बना लीजिए। काढ़ा बनाने के बाद आप प्रतिदिन सेवन कीजिए या फिर इन तीनों का पाउडर मिला करके, पाउडर का चूर्ण प्रतिदिन लीजिए, इससे आपकी कमजोरी ख़त्म हो जाएगी। बस यरते इसके साथ आपको एक पाव दूध लेना है, एक पाव दूध के साथ इन तीनों का पाउडर मिला करके आप प्रतिदिन एक एक चम्मच की मात्रा में लिया कीजिए सुबह शाम खाना खाने के बाद, तो आपको कैसा भी किसी भी प्रकार का कमजोरी नहीं सताएगा, आपके शरीर हष्ट पुष्ट बलवान होता जाएगा और आप बहुत अच्छे से खुश रहोगे। तो दोस्तों इस तरह से आप कमजोरी को भगा सकते हो इस अकरकरा के पौधे के फूल से। दोस्तों अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सर्दी खांसी बुखार को किस तरह से अकरकरा का प्रयोग करके आप मिटा सकते हो, दूर भगा सकते हो। अगर किसी को भी सर्दी खांसी बुखार है, कफ है, तो आप अकरकरा में सौंठ पीपर, जैसे पहले मैं बताया, तो सौंठ पीपर में काली मिर्च मिला लीजिए, मतलब काली मिर्च, सौंठ और पीपर और ये अकरकरा का फूल, तीनों को मिला करके काढ़ा बना करके यदि मरीज को खिलाते हो तो उनका सर्दी जुकाम बुखार जो भी होगा ख़त्म हो जाएगा। 2 से 3 दिन आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से इस अकरकरा के बहुत से फायदे हैं और इस तरह से प्रयोग करके काढ़ा बना करके आप किसी भी प्रकार की सर्दी बुखार को उतार सकते हो। दोस्तों
दोस्तों, अब मैं आप लोगों को अकरकरा की एक और ज़बरदस्त फ़ायदा बता रहा हूं, जो कि बहुत ही अचूक है और रामबाण है। इसे मैंने खुद आजमा करके देखा है, इसका प्रूफ मैं खुद हूं आपके लिए। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं इसका उपयोग मैं किस तरह से किया था और किस तरह से इसका प्रयोग कर चुका हूँ। तो दोस्तों, अगर आप में से किसी को भी कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी सर दर्द हो, तो आप बस इसके फूलों को इकट्ठा करके ले आइए और इसको पाउडर कर लीजिए, या फिर इसको कच्चा है तो पीस करके इसका पेस्ट तैयार कर लीजिए। इस पेस्ट को यदि आप माथे पे लगाते हैं, पाउडर है तो उसमें थोड़ा सा पानी मिला करके पेस्ट बना लीजिए, और उस पेस्ट को या फिर उस पाउडर को माथे पे लगाइए थोड़ा सा पानी मिला करके। तो इस तरह से आप प्रयोग करोगे तो आप देखोगे कि 5 से 10 मिनट में आपका कैसा भी टेंशन हो, कैसा भी सर दर्द हो, किसी भी प्रकार का जैसे सर घूमता है, तो उसमें भी बहुत अच्छा अचूक प्रयोग है, यह अचूक फ़ायदा देता है। तो आप इस तरह से प्रयोग करके किसी भी प्रकार के सर दर्द को चुटकी में गायब कर सकते हो, मिटा सकते हो, आप खुद अपने आप में एक वैद्य बन सकते हो। इस तरह से प्रयोग करके जरूर देखना दोस्तों, किसी भी प्रकार के सर दर्द से पीड़ित हो, आपको 10 मिनट के अंदर सर दर्द खत्म हो जाएगा, आप फिर से आप नॉर्मल हो जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे, अच्छे से मस्त खुश रह पाओगे दोस्तों। तो देखना, इस तरह से प्रयोग करके मैंने खुद देखा है और मैं अपने गारंटी के साथ कहता हूँ कि यह दर्द के लिए, सर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा रामबाण दवाई है। इसको आप अच्छे से पहचान लीजिए और अपने जीवन में जरूर इस्तेमाल कीजिए दोस्तों, यह आपको बहुत ही फायदा देगा। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने आपको आज अकरकरा की जितनी जानकारी मेरे पास थी आप लोगों को बता दिया। अगर अच्छी लगी हो ये जानकारी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल के साथ अगर नहीं जुड़े हो तो इसी तरह की हम जानकारी देते रहते हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो अगर जानकारी जानना चाहते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।